हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीताज क्रिएशंस। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये मूंगफली के छिलकों का क्या कर रही हूँ और ये जो केले के छिलके हैं जो डस्टबिन में होने चाहिए वो यहाँ क्या कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, ये मैंने मूंगफली के छिलकों को अच्छे से धोया क्योंकि इसमें नमक होता है और इसे धूप में सुखा लिया। सूखने के बाद मैंने इसे मिक्सी जार में डाल दिया और उसे पीस लिया। इस तरह से पाउडर बन जाएगा। अब मैं जो बाकी बचा मूंगफली का छिलका है और ये सूखे केले के छिलके हैं उन्हें भी साथ में पीस लूँगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन मूंगफली के छिलकों को हम खाद के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। पौधा लगाने से पहले क्यों ना इस पॉट को सुंदर बनाया जाए। तो मैं ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहती थी, मेरे पास परमानेंट मार्कर्स पड़े थे और मुझे इमोजीज बनाना बड़ा पसंद है, तो मैंने इसकी बड़ी बड़ी आंखें बनाई। और आपको पता है, ये जो परमानेंट मार्कर्स है ना, वो पानी से धुलते भी नहीं हैं और ये परमानेंट ही ऐसे ही रहेगा। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। ये इमोजी बनके तैयार हो गया है। यहाँ मैंने ली है गार्डन सॉइल, गोबर खाद और सैंड। इन सब तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है अच्छे से और मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ रात की रानी का पौधा। यह एक बहुत ही बढ़िया पौधा है जिसमें रात को फूल खिलते हैं और बहुत ही सुंदर खुशबू आती है। अब मैंने यहाँ पर सॉइल के साथ में मूंगफली के छिलके की एक मुट्ठी डाली है। यह कोकोपीट की जगह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मूंगफली के छिलके हैं ये धीरे धीरे डीकम्पोज हो जाएंगे और पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाएगा। यह हम फूलों वाले पौधों में और सब्जियों वाले पौधों में डाल सकते हैं, इससे मॉइस्चर भी बना रहेगा। इसी तरह पौधों में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करती हूँ जो किचन वेस्ट से निकलता है। इससे पौधे भी खुश और हम भी खुश।